क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग के पीछे? इट्स नॉट द लक, इट्स कॉन्फ्लुएंस। कैसा हो अगर आप ऑड्स को अपने फेवर में कर पाओ जब भी आप ट्रेड करो। सो टुडे वी आर डाइविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग, जहाँ पे मैजिक होता है। सो इस वीडियो के एंड तक आई प्रॉमिस यू आप सीख जाओगे कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, जिससे कि आपका जो ट्रेडिंग है वो नेक्स्ट लेवल तक जा सके। सो हेलो ऑल माई लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हो गए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा हमारा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। सो पहले समझते हैं कि क्या होता है कॉन्फ्लुएंस, जो मैंने लिख के रखा है व्हाट इज़ कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग, हाउ टू ट्रेड कॉन्फ्लुएंस। तो ये होता क्या है? तो बेसिकली कॉन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट जो होता है उसका मतलब होता है मल्टीपल कन्फर्मेशन। आप लोग प्रॉपर नोट्स बना के बैठना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मल्टीपल कन्फर्मेशन टू टेक ट्रेडिंग डिसीजन। कॉन्फ्लुएंस उसी को हम कहते हैं, मतलब कि हम जो है मल्टीपल कन्फर्मेशन देखते हैं अपने ट्रेडिंग डिसीजन को लेने से पहले, तो उसी को हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एग्जांपल होता है लाइक मूविंग एवरेज प्लस ट्रेंड लाइन, मतलब मूविंग एवरेज का भी कन्फर्मेशन एंड देन ट्रेंड लाइन का भी कन्फर्मेशन। ये बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना होता है, बट अगर आपको एक दो कॉन्फ्लुएंस एरिया मिल रहा है तो आपका जो ट्रेडिंग है वो एक दूसरा ही लेवल पे हो जाता है। देन मूविंग एवरेज प्लस मॉर्निंग स्टार, मैं सारे आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगी, डोंट वरी। पहले आप लोग थोड़ा थ्योरी में समझो, पहले थ्योरी देन प्रैक्टिकल, राइट। देन होता है सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन प्लस मूविंग एवरेज। तो ये आप अलग अलग टाइप के कॉन्फ्लुएंस जो है आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत तरह का होता है, मैंने आपको ये कुछ एग्जांपल्स दिए, राइट। ऐसा नहीं ये तीन ही तरह का होता है, ये बहुत तरह का होता है। तो इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका, इसको यूज़ करने का? आखिर हम किसी चीज़ को यूज़ करें भी तो क्यों यूज़ करें, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फ्लुएंस अगर हम समझें तो सबसे फर्स्ट जो इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस होता है वो होता है आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलते हैं, जो मैं ऑलवेज बात करती हूँ ना, ए क्लास सेटअप्स, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। तो आप अगर कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो तो आपको जो है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आपको मिलने लगते हैं। ये एक बड़ा इसका फ़ायदा होता है, एडवांटेज होता है। देन इसमें दूसरा होता है कि रिड्यूसेस रिस्क, मतलब आपका जो जब आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका रिस्क जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, राइट। तो ये दो मेजर जो होते हैं वो इसके फ़ायदे होते हैं अगर आप कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग को यूज़ करते हो, तो दो इसके मेजर फ़ायदे होते हैं। आप हाई प्रोबेबिलिटी, जितना ज़्यादा आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स यूज़ करोगे उतना आपका जो रिस्क है उतना लेस हो जाता है, राइट। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं होगा, अगर आप कॉन्फ्लुएंस ट्रेड करते हो तो स्टॉप लॉस तो आपका होगा ही, ये तो पार्ट एंड पार्शल ऑफ गेम है, बट वो आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है ना वो बढ़ जाता है, राइट। अब हम समझते हैं कि कॉन्फ्लुएंस के क्या क्या जो चीज़ें होती हैं वो मिलके कॉन्फ्लुएंस एरिया बनता है, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट बनता है। कॉन्फ्लुएंस पॉइंट किन किन चीज़ों से मिलके बनता है, तो इसका मैंने एक ब्रीफिंग आपको यहाँ पे ऊपर में दिया है। तो पहला होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप मल्टीपल देख सकते हो इसमें, मल्टीपल चीज़ों को आप देख सकते हो, बट मैं आपको कुछ ही बताऊंगी जो मैं पर्सनली भी मैं यूज़ करती हूँ। मैं आपको ऑलवेज वही बताऊंगी जो मैं पर्सनली जो बैक टेस्ट कर चुकी हूँ। देन आप ट्रेंड लाइन, मैं आपको सारे के एग्जांपल दिखाऊंगी, डोंट वरी। ट्रेंड लाइन के साथ कैसे कॉन्फ्लुएंस एरिया आप ढूंढ सकते हो वो मैं आपको आइडेंटिफाई करना दिखाऊंगी। देन आप इंडिकेटर्स कोई भी यूज़ कर सकते हो, नॉट नेसेसरी मूविंग एवरेज, आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, लाइक मूविंग एवरेज हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, RSI हो गया, राइट, MACD हो गया, तो आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, आपको जो भी सूट करता है आप वो यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देन होता है कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता है, आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी एज अ कॉन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हो। कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत ज़्यादा डीप में आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं आप घबरा जाना कि इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। तो आप कोई भी दो को आप फॉलो कर सकते हो, मतलब मान लो कि आपको मूविंग एवरेज
एंड प्लस कैंडल स्टिक पैटर्न, आप जो है कैंडल स्टिक पैटर्न एंड मूविंग एवरेज आपको जम रहा है तो आप बस वही यूज़ करो, राइट? या फिर आपको ट्रेंड लाइन एंड मूविंग एवरेज जम रहा है तो आप फिर वही यूज़ करो। आपको ये जो सारे बताए हैं ना, ये सारे यूज़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक आपके पास ऑप्शन क्या रहता है कि आप टेक्निकल प्लस फंडामेंटल को, आप दोनों को यूज कर सकते हो, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, इन दोनों को आप यूज करके कॉन्फ्लुएंस यूज कर सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको क्या सूट कर रहा है, तो वो तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको क्या सूट कर रहा है, तो उसी के बेसिस पे आपको ट्रेड करना होगा, राइट? तो अब हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कॉन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मैं आपको पहले यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, देन मैं आपको चार्ट्स पे उसका एग्जांपल दिखाऊंगी। डोंट वरी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है वीडियो को जल्दी जल्दी खत्म करने की। सो आइडेंटिफाइंग इन्फ्लुएंस बोल रहे हैं, सॉरी, कॉन्फ्लुएंस। तो फर्स्ट देखो ये होता है ना, मान लो कि यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज जो है, मान लो मूविंग एवरेज इस तरह से राइजिंग चल रहा है, राइट? ये मान लो 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, ये हमारा इस तरह से राइजिंग चल रहा है, प्राइस हमारा इस तरह से चल रहा है, यहाँ पे प्राइस ने एक लो बनाया, देन प्राइस फिर से ऊपर गया, फिर प्राइस ने यहाँ पे एक लो बनाया, देन प्राइस फिर ऊपर गया, अभी प्राइस हमारा ऊपर ही खड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको इसको अच्छे से ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, अगर देन प्राइस हमारा मान लो अभी यहीं पे खड़ा हुआ है, अभी यहाँ पे हमारा प्राइस खड़ा हुआ है, तो ये आपको दिख रहा है कि एक लो हमारा, मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ, आपको दिख रहा है कि एक लो हमारा ये है, देन एक लो हमारा ये है, देन एक लो हमारा ये है, राइट? तो आप अगर यहाँ से इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हो, एक इस तरह से ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ कर देते हो, एंड अगर आपका मूविंग एवरेज भी इस तरह से, अगर आपका मूविंग एवरेज भी इस तरह से चल रहा होता है एंड प्राइस फिर से यहीं पे आता है, एंड यहाँ पे आपको मान लो इस तरह से ग्रीन कैंडल अगर आपको मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको जो चार्ट, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, फर्स्ट आपको दिख रहा है कि आपको मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला है, राइट? फर्स्ट आपको मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला, सेकेंड आपको दिख रहा है ये जो है ट्रेंड लाइन है, ये जो रेड मैंने मार्क किया है थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ये मान लो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, तो सेकेंड आपको क्या दिख रहा है कि आपको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है, मतलब उसी जगह पे प्राइस जो ट्रेंड लाइन पे भी सपोर्ट ले रहा है एंड हमारे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये क्या हो गया, मूविंग एवरेज प्लस ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस हो गया हमारा। तो अगर आप यहाँ पे फिर आप ट्रेड करते हो ना, तो ये चांसेस है कि ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, इसका ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि SL नहीं जाएगा, SL तो ऑलवेज जा सकता है, आपको ऑलवेज प्रिपेयर रहना है SL के लिए, बट ये थोड़ा आपका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाता है, राइट? तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, या तो मान लो आपको इस तरह से आपका मूविंग एवरेज चल रहा है, एक जो कैंडल स्टिक पैटर्न वाला मैंने आपको बताया, इस तरह से यहाँ पे प्राइस हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाता है, मान लो मॉर्निंग स्टार अगर आपको नहीं पता है तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न इस तरह का कुछ होता है, एक बड़ी सी आपको बिग रेड कैंडल मिली यहाँ पे, देन आपको एक डोजी मिला, मान लो आपको इस तरह से एक डोजी मिला, एंड देन आपको फिर उतनी ही बड़ी सी, जितनी बिग आपको रेड मिली थी उतनी बिग आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल गई, राइट? तो ये आपका हो गया, ये इसे आप कहोगे MA+। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको सिखाया है, मैं पर्सनली भी इन दोनों को यूज़ करती हूँ जो मैंने आपको सिखाया, MA+ कैंडल स्टिक पैटर्न का ये कॉन्फ्लुएंस हो गया आपका। तो अगर आप इसको यूज़ करते हो तो हो सकता है ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाए। तो इस तरह जो सेकेंड मेथड आपका ये हुआ, तो इस तरह से आप रिकग्नाइज कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये स्ट्रैटेजी नहीं पता है हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, तो आप जाके स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, एंड आई बटन पे भी देखो आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाके आप फटाफट से स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो। तो ये मैंने आपको दिखाया, अब मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाती हूँ। चलो हम फटाफट से पहले चार्ट पे देख लेते हैं, देन मैं आगे चलूंगी, ओके? तो पहला जो मैंने आपको दिखाया ट्रेंड लाइन वाला, तो देखो ट्रेंड लाइन कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट लो बनाया प्राइस ने, सॉरी यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट लो बनाया प्राइस ने, देन वहीं पे देखो प्राइस ने लो बनाया, देन वहीं पे लो बनाया, तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट? एंड आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि मूविंग एवरेज के साथ में ही इस वाले कैंडल पे जो मैंने अभी मार्क किया,
देखो यहाँ पे मोटा मोटी आपको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट मिल रहा है, राइट। तो ये आपका हो गया बिल्कुल ए क्लास सेटअप, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्फ्लुएंस भी दिख गया, आपको मूविंग एवरेज पे भी सपोर्ट मिल गया एंड आपका ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हो गया। तो ये आपका कॉन्फ्लुएंस एरिया हो गया, ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट आपने आइडेंटिफाई किया। देन यहाँ पे एक और जो देखो ट्रेड आया, इसको और अगर मैं ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ाऊँ, तो हमने जो लास्ट देखा था जिस दिन यहाँ पे इस कैंडल पे हमने देखा था, देखो यहाँ पे भी हमें इस कैंडल पे ही हमें ट्रेड करना था इस कैंडल पे, बट कैंडल जो है वो शूटिंग स्टार मिल गया था, राइट। तो इसके लिए हमने एक और दिन वेट किया, देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल हमें सेटअप मिला, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट एंड जस्ट जस्ट सी उसका परफॉर्मेंस देखो, एक दिन में परफॉर्मेंस देखो। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस बिल्कुल होगा, बट इस तरह से अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, तो ये आपके ट्रेडिंग को ना एक लेवल अप कर देगा, ट्रस्ट मी। जैसे यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया ना कि ये वाला जो मैंने आपको बताया एम ए प्लस कैंडल स्टिक पैटर्न वाला, ये मॉर्निंग स्टार, हम इस सेटअप को मॉर्निंग स्टार कहते हैं। अगर आपको रेड कैंडल मिले देन डोजी मिले देन उतनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल मिल जाए, तो देखो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको वही मिला था। ये देखो एक बिग रेड मिला आपको, आपको इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कोई फ्री में नहीं दिखाएगा, तो आप लोग प्लीज़ प्रॉपर अटेंशन से देखना वीडियो। देखो एक बिग रेड मिली आपको, देन एक डोजी मिला, देन उतनी ही बड़ी आपको ग्रीन मिल गई, साथ में आपको मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मिल रहा है, राइट। तो अगर आप इस पर ट्रेड करोगे तो देखो फिर उसका रिजल्ट आपके सामने रहता है, 3-4 डेज में ही आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर पाओ अपने लिए कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स, तो ये आपके ट्रेडिंग लेवल को फॉर श्योर ऊपर ले जाएगा। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, जो भी कॉन्फ्लुएंस पॉइंट आपको सूट करता है। मैंने जो आपको दो सिखाया ये मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस एरिया यूज़ नहीं करती हूँ, बट ये दोनों पॉइंट्स मुझे दिखते हैं ना चार्ट पे, तो मैं वो ट्रेड नहीं छोड़ती कभी। तो आप लोग भी इसको आइडेंटिफाई करो। अब कुछ टिप्स है जिससे आप अपने इसको आइडेंटिफाई करने में आगे जा सकते हो। पहला तो आपको बहुत प्रैक्टिस लगेगी इसके लिए, तभी आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। तो पहला टिप मेरे साइड से यही है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओ। आप चाहो तो हमें चार्ट भी सेंड कर सकते हो अपना, प्रैक्टिस करके मार्क करके हम आपको चेक करके बताएंगे आपने सही मार्क किया या नहीं मार्क किया। देन आपका रिस्क मैनेजमेंट, ये तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि चाहे कुछ भी ट्रेड करो आपको रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट नहीं भूलना है। एंड इसके लिए हम आपको ये शीट प्रोवाइड करते हैं जो हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो हमसे ले लो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। आप अभी के अभी वीडियो पॉज करके कमेंट करो हमें, अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो आप दूसरे इंसान को भी फॉलो करो तो आपको वो काम आएगा। देन आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, आपको ट्रेड्स फिर लगने लगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपको अपने लिए, मैंने जैसा बोला मैं ये इन दोनों कॉन्फ्लुएंस एरियाज़ को यूज़ करती हूँ, कॉन्फ्लुएंस पॉइंट्स मैं यही दोनों यूज़ करती हूँ। तो आप भी अपने लिए देखो आपको क्या सूट कर रहा है, कौन सा कॉन्फ्लुएंस का पॉइंट है जो आपको सूट कर रहा है, एंड देन उसी को पकड़ के आप ट्रेड करो। आपको सारे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं कॉन्फ्लुएंस के, आपको अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन होते हैं, आपको सबको यूज़ नहीं करना है, राइट। आपको सारे को यूज़ नहीं करना है, आपको एक या दो अपने लिए देखो आपको कौन सा सूट करा है, आप उन्हीं को प्रैक्टिस करो, उन्हीं को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो चार्ट पे। तो आज हमने देखा कैसे, मैंने आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाया कैसे आप कॉन्फ्लुएंस को आइडेंटिफाई करके अपने ट्रेडिंग लेवल को एक ऊपर ले जा सकते हो, अपने ट्रेडिंग को एक लेवल अप कर सकते हो। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो चार्ट पे। चलो अब हम चलते हैं स्टॉक की स्कैनिंग की तरफ फटाफट से। ये देखो मैंने निफ्टी 200 की लिस्ट ओपन करके रखी हुई है, तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो आज से। ये देखो जैसे यहाँ पे जो हमें ट्रेड सेटअप मिला है, हमने बात किया था हमें अच्छी ग्रीन कैंडल चाहिए, तो देखो ये काइंड ऑफ हमें मॉर्निंग स्टार दिख रहा है। ये देखो बिग रेड है, देन एक डोजी है, देन ग्रीन मिली है। तो आप चाहो तो आपको सही लगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ट्रेडिंग सेटअप एक हमारा बना हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो ACC में। तो आप भी इस तरह से आइडेंटिफाई करो, उतना टफ नहीं होता है, बट इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस लगती है, क्योंकि ऐसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, राइट। मैंने आपको रेफरेंस के लिए कुछ एग्जांपल्स भी दिखा दिए। ये देखो यहाँ पे अगर ये वाली कैंडल हमारी बिग ग्रीन बन जाती ना, तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी हो जाता, साथ में मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस हो जाता यहाँ पे, बट वो तो हमें मिली नहीं। इस तरह की अगर यहीं पे अगर हमें ये वाली कैंडल जो है इस तरह की ग्रीन मिल जाती तो काफ़ी ब्यूटीफुल सेटअप होता, वो तो हमें मिला नहीं, तो अब हमारा सेटअप इसमें ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह से आप आइडेंटिफाई करो, ये बहुत अच्छा वर्क करता है, पर्सनली मैं इसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पर देखो दो डोजी के बाद अगर यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल हमें इस तरह की मिल जाती, देन ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न का कॉन्फ्लुएंस हो जाता, बट हमें नहीं मिला। तो अब हम एक दिन और वेट करेंगे ग्रीन कैंडल बनने का। कभी कभी आपको बुक्स के अकॉर्डिंग एकदम बिल्कुल मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं दिखेगा,
बट 19-20 भी थोड़ा बहुत हो, मान लो 3 डोजी मिल जाए, 4 डोजी मिल जाए, उसके बाद आपको कभी कभी हो सकता है ग्रीन कैंडल मिले, जो ये मैंने बताया ना आपको, ये बीच में 1 डोजी नहीं बनके 2 डोजी, 3 डोजी, 4 डोजी के बाद आपको जो है वो ग्रीन कैंडल मिल सकता है। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है आपके लिए। बट आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिस करके आप इसको ट्रेड आइडेंटिफाई एटलीस्ट करना स्टार्ट करो, ट्रेड लेना नहीं तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो कहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस दिख रहा है। ये बहुत अच्छा वर्क करता है, ट्रस्ट मी। ये देखो सिप्ला में आज हमें ब्यूटीफुल ट्रेड मिला है, यहाँ पे आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। आप लोग स्टॉक स्कैनिंग कर रहे हो, हमें हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग स्टॉक स्कैनिंग कर रहे हो, तो आज जो हमने सीखा है आप उसका भी चार्ट मार्किंग करो एंड हमें सेंड करो, हमारी टीम बिल्कुल आपको फ्री में फीडबैक देगी चेक करके, उसके लिए आप बिल्कुल वरी मत करना, राइट। तो प्रैक्टिस तो आपको लगेगी इसमें, आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो चलो मैं फास्ट फास्ट चलती हूँ आज, फिर मुझे निफ्टी भी दिखाना है आप लोग को, थोड़ा फास्ट फास्ट चलती हूँ मैं। तो बिना प्रैक्टिस के तो आप इसको आइडेंटिफाई फॉर श्योर नहीं कर पाओगे, तो प्रैक्टिस तो लगेगी आपको, बट एक बार अगर आपने इसको अच्छे से अपने आईज को कंफर्टेबल कर लिया ना, तो इसी इसी को मैंने आपको दिखाया था, देखो ट्रेंड लाइन के साथ में मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस मिला आपको एंड इसका परफॉर्मेंस आप खुद ही देख सकते हो। अब ये स्टॉप लॉस चला जाए, टारगेट चला जाए, दैट डजंट मैटर, बट हमारा जो ट्राई होना चाहिए वो बेस्ट ट्रेड लेने का। यहाँ पे देखो ये ट्रेड हमारा कितना ब्यूटीफुली चल रहा है। तो अगर अभी भी आपने इस मार्केट में भी अभी आपने ट्रेड ही नहीं लेना स्टार्ट किया, तो मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ट्रेड लेना स्टार्ट करो, क्योंकि ये देखो यहाँ पे हमें ब्यूटीफुल ट्रेंड लाइन प्लस मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस मिला है। इपका लैब में बिल्कुल ए क्लास सेटअप है, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हम जो है कॉन्फ्लुएंस वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैं ये पर्सनली दो ही यूज़ करती हूँ, ये एक एक ट्रेंड लाइन का, मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं यूज़ करती हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। आप डीप जाओगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ट्रेडिंग में जितना कम से कम स्ट्रेटेजी आप एक बार में यूज़ करो उतना अच्छा होता है। M&M फिन में देखो यहाँ पे एक सेटअप बना है, बट कैंडल थोड़ा बड़ा है, तो आपके आपके अगर रिस्क में बैठे तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा कैंडल बिग है इसलिए मैंने उसका नाम नहीं दिया। चलो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चलती हूँ। अब मुथूट फिन में भी यहाँ पे देखो सेटअप बना है एक, आज बहुत सारे ट्रेड्स आपको मिलेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कैसे 10-15 ट्रेड मिल जाएं, तो आपको कैसे उसमें से बेस्ट ट्रेड अपने लिए लेना है। वो स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से उसमें जाओ एंड देखो कितने ट्रेड्स आए, कितने ट्रेड्स चले, कितने ट्रेड्स जो है स्टॉप लॉस हिट हुए, उसके बेसिस पे आप बेस्ट स्टॉक जो है फिल्टर कर सकते हो अपने लिए। प्लस अभी करेंट का सेटअप देखो किस में अच्छा सेटअप बना हुआ है, SBI कार्ड में देखो यहाँ पे सेटअप है, बट ये स्विंग नहीं अच्छा है, देखो अब एक ग्रीन एक रेड, इस तरह का स्विंग मुझे काफ़ी सही नहीं लग रहा है। SBI लाइफ में देखो ब्यूटीफुली हमारा ट्रेड, दोनों ट्रेड हमारा ब्यूटीफुली चला था। चलो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चलती हूँ, मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी भी दिखाना है आप लोग को। ये देखो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमारा अच्छा सेटअप बन सकता है, अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से वेट करो, सेटअप बने तभी ट्रेड करना है, राइट। IT थोड़ा डाउन था आज, बेसिकली डाउन नहीं, IT आज न्यूट्रल था, ना बहुत ज़्यादा राइज ना बहुत ज़्यादा फॉल हुआ। सो इस तरह से देखो आप निफ्टी 200 में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप निफ्टी 50 से स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल करो, उसके बाद धीरे धीरे लेवल अप करना। तो चलो फटाफट से चलते हैं निफ्टी की तरफ। अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखो यहाँ पे हमने जो बोला था निफ्टी में एंट्री हमारी यहाँ पे हो चुकी है, इस वाले कैंडल पे एंट्री हमारी हो चुकी है। अब या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे आपको एग्जिट करना है, एंड अगर ये रीटेस्ट करने आता है तो फिर से हमारी एंट्री हो सकती है, तो अभी वेट एंड वॉच है। अगर रीटेस्ट पे अगर आप एंट्री करना चाहते हो एंड मूविंग एवरेज भी हमारा यहाँ तक आ जाएगा, मान लो यहाँ तक मूविंग एवरेज आ जाता है, प्राइस यहाँ तक आ जाता है, तो एक कॉन्फ्लुएंस हमारा इसमें भी बन जाएगा ट्रेंड लाइन प्लस मूविंग एवरेज का, राइट। बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो मूविंग एवरेज काफ़ी दूर है अभी, तो ये अगर रिटेस्ट के लिए आ सकता है तो आप दोबारा एंट्री कर सकते हो, अगर आपने आज एंट्री नहीं की इस कैंडल पे तो अभी अच्छा दिख रहा है, दोनों स्ट्रांग दिख रहा है। सो डन फॉर द डे। वीडियो एंड करने से पहले, ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, इस पे वीडियो हमने आपको दे रखी है, अगर नहीं देखी है तो जाके देखो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, एंड उसके बाद आप फटाफट से हमसे ये शीट ले लो, क्योंकि हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री में चेक करके फीडबैक देगी आपके ट्रेड्स के। तो जल्दी से हमें सेंड करो, अगर अभी तक आपने ट्रेडिंग जर्नल बनाना शुरू नहीं किया तो बना के हमें जल्दी से सेंड करो। दोनों शीट आप हमसे ले लो, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग जर्नल, दोनों की शीट आप हमसे ले लो और हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल सेंड करो, आपको बिल्कुल फ्री में आपके फीडबैक मिलेंगे ट्रेड्स की। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, इसका
फायदा उठाओ, राइट, इसे हाथ से आप लोग जाने मत दो। तो मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपको एक सेकेंड लगेगा लाइक करने में, तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।